नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो विश्लेषण के साथ सटीक और प्रमाणिक जानकारियों से आपको रूबरू कराने का हमने एक प्रयास शुरू किया है, किंतु हमारे इस प्रयास को आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करके भी हमें सहयोग कर सकते हैं, या आप kklive.com पर सीधे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिलेगा वैसी तमाम जानकारी जिसका आपसे वास्ता है। मुद्दे जो कहीं गुम हो गए हैं, हम लाएंगे इतिहास के पन्नों से, समाज के अंधियारों से और खबरों की भीड़ से। तो देर किस बात। फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, रात फूलों की। जी हाँ, आज हम बात फूलों की ही करेंगे। आज हम बात करेंगे कायनात के खूबसूरत एहसास का, हम बात करेंगे कुदरत के नायाब नक्काशी का, और हम बात करेंगे दिलकश बसंत का भी। दरअसल उत्तर भारत तथा सीमावर्ती देशों में 6 ऋतुओं में से एक ऋतु बसंत है, जो फरवरी के मध्य से अप्रैल के बीच में अपना सौंदर्य बिखेरती है। इस मौसम में गुलाब सहित गुलदाबदी, जेनिया, डहलिया, साल्विया, गेंदा आदि फूल नयनाभिराम छटा पेश करते होते हैं। फूलों के इर्द गिर्द रंग बिरंगी तितलियां व भंवरे फूलों का रसा स्वादन कर रही होती है, और इनकी शोभा कुदरत की खूबसूरती में चार चांद लगा रही होती है। कहते हैं कि बसंत के आने का मतलब है सर्दी की लंबी रातों का दौर खत्म होना और दिन के उजाले में जिंदगी से लबरेज गुनगुने मौसम के खूबसूरत एहसास का आगाज होना। बसंत के आने का मतलब है बहार का आना, परिंदों की चहचहाट का बढ़ जाना और पेड़ों की डालियों पर नई पत्तियों या कोमल कपोले आना। ऐसा खूबसूरत नजारा चहुओं आपको देखने को मिल जाता है। कायनात में तरह तरह के फूल खिल उठते हैं और दुनिया रंग बिरंगी दिखने लगती है। सुदूर देशों को गए परिंदे अपने घर को लौटने लगते हैं और प्रणय क्रीड़ा का आनंद भी लेते हैं। दरअसल बसंत के आते ही कुदरत मानो अंगराई लेती है, सर्दियों का आलम पीछे छूट जाता है, जिंदगी को नई रफ्तार मिलती है, कलियां खिल उठती है और फूल महकने लगते हैं। कहते हैं कि जहां तक नजर जाए आपको बहार ही बहार नजर आने लगता है। बसंत की ऋतु आते ही भंवरे अपने ठिकानों से बाहर निकलकर रंग बिरंगी रस भरे फूलों पर मंडराने लगते हैं। रंग बिरंगी तितलियां भी अपनी साथी की तलाश में मनमोहक करतब करते हुए दिखाई देने लगती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुदरत में मादकता इस कदर घुल जाता है कि दिल को काबू में रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अंग्रेजी में कहावत है, मैड एज ए मार्च हियर, यानी मार्च महीने में खरहे जैसा पागलपन। दरअसल यूरोप में पाए जाने वाले खरहों का यह मिलन का सीजन होता है। इस दौरान वह दीवानों सा, या यूं कहें कि पागलों की तरह हरकत करने लगता है। भारत में कई प्रजाति इस मौसम में मिलन करने को आतुर हो जाता है। इसे आप कुदरत की खूबसूरत चित्रकारी भी कह सकते हैं, या यूं कहें कि फिर छिरी रात, बात फूलों की रात है या बारात फूलों की। कहीं रंग बिरंगी गुलाब तो कहीं सरसों के पीले रंग का चोला ओढ़े कुदरत। चेरी के पेड़ों पर आई बहार हो या फल से लदे बेर के पेड़, चहुओं कुदरत का दिलकश अंदाज मन को मोह लेता है। आम की मंजर से झांकती कोयल की कुहू कुहू जब जिंदगी की सुरीली धुन बन जाए तो इसका बखान करना आसान नहीं होता, बल्कि इसे महसूस करने की जरूरत है। जिंदगी के तमाम रसों से सराबोर इस मौसम को अपने नैनों में सजो लेने की जरूरत है, इसे दिल से महसूस करने की जरूरत है। कहते हैं कि इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम के पेड़ मंजर से लद जाते हैं और खेतों में सरसों के पीले फूल किसी नव यौवना की तरह अंगराई लेने लगती है। राग रंग और उत्सव मनाने के लिए यह ऋतु सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। बसंत के आते ही वातावरण का तापमान प्रायः सुखद हो जाता है। बसंत में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होने लगते हैं। जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। आकाश स्वच्छ हो जाता है, वायु सुहावनी हो जाती है, अग्नि यानी सूर्य रुचिकर हो जाता है, जल पीयूष के समान सुखदाता महसूस होने लगता है और धरती मानो साकार सौंदर्य का दर्शन कराने वाली बन जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत को कामदेव का पुत्र कहा गया है। कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि रूप व सौंदर्य के देवता काम देवता के घर पुत्रोत्पत्ति का समाचार पाते ही प्रकृति झूम उठी थी। नौ पल्लव
पलना बना था और फूल वस्त्र पहनाते थे। पवन झुलाते हैं और कोयल उसे गीत सुनाकर बहलाती है। लिहाजा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऋतुओं में मैं ही बसंत हूं। बसंत ऋतु में ही बसंत पंचमी, शिवरात्रि तथा होली नामक पर्व भी मनाए जाते हैं। इसी मौसम में कुमोदनी का त्योहार भी होता है और पाश्चात्य संस्कृति वाले इसी मौसम में वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय संगीत, साहित्य और कला में बसंत का महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत में एक विशेष राग बसंत राग के नाम पर बनाया गया है। ठिठुरन से निकलते ही विहंग उड़ने का बहाना ढूंढने लगते हैं। किसान लहलहाती जौ की बालियां और सरसों के फूलों को देखकर फूले नहीं खाते। धनवान लोग प्रकृति के नौ सौंदर्य को देखने की लालसा प्रकट करने लगते हैं। वहीं निर्धन लोग शिशिर की प्रताड़ना से मुक्त होने के सुख की अनुभूति करने लगते। कथा है कि अंधकासुर का वध करने के लिए जब शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की दरकार आन पड़ी तो कामदेव के कहने पर ब्रह्मा जी की योजना के अनुसार बसंत को उत्पन्न किया गया था। कलिका पुराण में बसंत का व्यक्तिकरण करते हुए इसे सुदर्शन, अति आकर्षण, संतुलित शरीर वाला, आकर्षक नयन नक्श वाला, अनेक फूलों से सजा, आम की मंजरियों को हाथ में पकड़ने वाला, मतवाले हाथी जैसा चाल वाला आदि सारे गुणों से इसे भरपूर बताया गया। यानी बसंत में कुछ तो बात है जो मन में हिलोड़े मारता है। यह आदिकाल से चला आ रहा है और इसका प्रमाण ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। कहते हैं कि बसंत कुदरत का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। इसमें जिंदगी की कपोल छिपी होती है। इसमें कई रंग रूप देखने को मिलता है जो दिल को खुश कर बाग बाग कर देता है। यानी फूलों की कोमलता की दिलकश और कोमल एहसास, एहसास उस साथी का, एहसास कायनात के करीब होने का भी। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपका साथ, साथ फूलों का, आपकी बात, बात फूलों की। कहते हैं कि फूल खिलते रहेंगे दुनिया में और रोज निकलेगी बारात फूलों की। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो विश्लेषण पसंद आया होगा, क्योंकि यहां मिलेगा खबरों की खबर, लीक से हटकर खबर, केकेएन लाइव यानी भरोसा सभी का। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आभार और अभिनंदन के साथ आपसे विदा चाहता हूं।